गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ उमेश गुप्ता। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस डे आई हैड एक्सप्लेन्ड चैप्टर 15 एंड आई हैड सेंड सम क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 15 टू सॉल्व यू एट होम, बट सम स्टूडेंट हैव सॉल्व, बट मैनी स्टूडेंट हैव नॉट सॉल्व एंड सेंड देयर होमवर्क। सो टूडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर। प्लीज लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट योर फेयर कॉपी ऑफ दिस चैप्टर। प्रिय छात्रों, पिछले दिनों में चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर भेजा था कि बच्चे उस क्वेश्चन आंसर को करेंगे और करने के बाद हमारे यहाँ सेंड करेंगे, मैं उसे चेक करूँगा। लेकिन एक दो बच्चों ने बस ही कंप्लीट किया है और मुझ पर सेंड किया है, लेकिन बाकी बच्चों ने नहीं किया है। तो आइए हम देखते हैं, इसको मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे देखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर क्लास 6 चैप्टर नंबर 15 आउल्स एंड क्रोज। इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी प्रश्न उत्तर है। अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द आउल्स एंड क्रोज लिव, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आउल्स किंग। कह रहा है कि उल्लू और कौवे कहाँ रहते थे और उल्लुओं के राजा का क्या नाम था। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर, द आउल्स लिव्ड इन डार्क केव एंड द क्रो लिव्ड इन द ह्यूज बनियान ट्री नियर द केव। अरे मर्दाना, वाज द नेम ऑफ द आउल्स किंग। यानी इसमें ऊपर के प्रश्न के का उत्तर बताया गया है कि उल्लू अंधेरे गुफाओं में रहते थे और उसी के बगल में ऊपर एक वहीं बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बने गुफाओं में उल्लू रहते थे और बरगद के पेड़ पर सभी कौवे रहा करते थे और उल्लू के राजा का नाम अरिमर्दाना था, जो इसमें दिखाया गया है आंसर में। अब आगे देखेंगे, वाई वाज मेघवर्ण वरिड अबाउट हिज फ्लॉक। मेघवर्ण जो कौओं का राजा था, वो क्यों बहुत चिंतित रहता था अपने झुंड से लेकर के। तो यहाँ पे आंसर है उसका कि मेघवर्ण द किंग ऑफ द क्रो वाज वरिड बिकॉज एवरी नाइट द आउल्स किल्ड द क्रोज दैट वेंचरिंग आउट लेट एट नाइट। यानी मेघवर्ण जो कौओं का राजा था, वह इसलिए चिंतित रहता था क्योंकि जैसे ही उनके कौवे देर रात तक भ्रमण करके और जैसे ही लौटते थे, बीच में ही उल्लू उन्हें क्या करते थे, उन्हें मार देते थे। यानी वह देर रात तक, कभी भी दिन रात होने से पहले ही वह अपने घोंसले में आ जाया करते थे, अदरवाइज उल्लू क्या करते थे, उन सभी कौओं को जान से मार डालते थे, इसलिए वह बहुत ही चिंतित रहता था। अब अगला क्वेश्चन है, वाई वाज इस्त्राजीव प्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी एवेल विसर ऑफ अरिमर्दाना। यानी इसमें दिखाया गया है कि इस्त्राजीवी जो कौओं का मंत्री था, वह अरिमर्दाना उल्लू, यानी जो उल्लुओं का राजा अरिमर्दाना था, उसका वेल विसर का दिखावा क्यों कह रहा था। वेल विसर मीन्स बहुत, मतलब जैसे उसको मानना जानना, उसका बहुत अच्छा आविष्कार होना, आविष्कार मतलब उसके प्रति अच्छा दिखावा करना होता है, तो वह क्यों उसका दिखावा कर रहा था। तो यहाँ पे आंसर है, इस्त्राजीव प्रॉमिस टू टेल आउल्स किंग हाइडिंग प्लेस ऑफ द क्रोज लाइक दिस
ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ ए वेल विशर ऑफ हरिमर्दाना, यानी वह इसरा जी हमेशा वादा करता था। क्या वादा करता था? कि मैं आपको जो हमारे यहाँ जो भी हमारे कौवे के राजा और सभी लोग हमको छोड़ करके भाग गए, उनका मैं ठिकाना आपको बताऊंगा और आप लोग जाएंगे वहाँ पे उन्हें जान से मार देंगे। इस प्रकार का वह बहाना बना करके वह अपने आप को उसका मतलब अपना रहस्य जताना चाहता था हरिमर्दाना के प्रति। वाई डिड इसरा जीवी वेट फॉर डे ब्रेक टू कैरी आउट हिज प्लान, कह रहा है कि इसरा जीवी ने प्रतीक्षा क्यों किया टू डे ब्रेक टू कैरी आउट हिज प्लान, यानी अपनी योजना को दिन हो योजना को करने के लिए अपनी योजना में सफल होने के लिए उन्होंने दिन का इंतजार क्यों किया। तो उसका रीज़न है, उसका क्या रीज़न है आप लोग भी जानते हैं कि इसरा जीवी बिगेन टू मोन वीकली अट्रैक्ट द आवर्स अटेंशन। वह क्या चाहता था? वह धीरे धीरे उसके लिए वह वह उल्लुओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता जाता था और इस प्रकार से वह उनका दिन का इंतजार करने लगा। और वह उसकी यही सोच थी, मुख्य उद्देश्य यही था उसका दिन का इंतजार करना कि उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता है, जैसे ही दिन होगा तो हम सभी के सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। ये उसका रहस्य था, उसका चाल था इसरा जीवी का। इसलिए वह बस क्या करता था, मौन विकली यानी आहे भरता था, बिल्कुल दुर्बलता की आहे भरता था टू अट्रैक्ट द ऑल अटेंशन, कि उल्लुओं का ध्यान उसके प्रति आकर्षित रहे हमेशा। और धीरे धीरे करते करते वो जो रात थी वो रात बीती जाए। हाउ आर द आउल्स डिफीटेड, अब अगला क्वेश्चन है, उल्लू कैसे उल्लुओं की हार हुई। तो विथ बर्निंग ट्विग इन देयर बीक मेघवर्ना एंड अदर क्रो रीच द एंट्रेंस ऑफ द केव विच वॉज ब्लॉक्ड बाई पाइल ऑफ ट्विग बाई इसरा जीवी एंड दे थ्री बर्निंग ट्विग ऑन द पाइल थ्रो, यहाँ पे होना चाहिए थ्रो, यहाँ पे बेटा जो थ्री लिखा हुआ था वहाँ पे थ्रो होना चाहिए, थ्रो टी एच आर ओ यू जी एच थ्रो, यानी फेंक दिए। क्या फेंक दिए? बर्निंग ट्विग ऑन द पाइल ऑफ ट्विग्स एंड ऑल द आउल्स वेयर बर्न टू डेथ, यानी वो क्या हुआ कि जो उनके गुफे के द्वार पे जो उन्होंने इसरा जीवी ने लकड़ियाँ इकट्ठा की थी, पायल यानी ढेर इकट्ठा की थी, उस लकड़ियों पर लेकर के क्या गए, अपने साथ सभी अपने चोच में कुछ जलती हुई लकड़ियों को लेकर के गए और जलती हुई लकड़ियों को ले जा करके उस टहनियों पे सूखे टहनियों पे फेंक दिए, जिससे कि वह टहनी में आग लग गई उस टहनी में और सभी के सभी उल्लू उसी में जल करके मर गए। यही उसकी कहानी थी। यानी इस प्रकार से उल्लू को हरा दिया गया, यानी उल्लू मारे गए। और ये यही रही इस क्वेश्चन का आंसर रहा, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों के लिए मैं बनाया और आज इसको मैं सेंड करूंगा। अतः आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखेंगे, लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल।